नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितेश कुमार, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक जो है कि पोषण ट्रैकर ऐप के तीसरे चैप्टर में 0 से 6 महीने के बच्चे को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल के पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे 0 से 6 महीने के बच्चे का लिस्ट ओपन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये सारा रजिस्ट्रेशन जो कि सिर्फ डेमो अकाउंट है यानी कि अभ्यास के लिए यहाँ पे अपलोड किया गया है। तो इसमें आप जो भी सारी जानकारी सीखना चाहते हैं तो इसमें जाके देख सकते हैं कि क्या क्या जानकारी इसमें इंटर किया गया है। तो पे आप लोग नाम वगैरह लिखते हैं तो हो सकता है कि आपके मोबाइल में ये ऑप्शन मोबाइल के सूची में लिस्ट में ना दिखाई दे। इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कमेंट आ रहा है जो भी वीडियो बना रहा हूँ कि सर जो भी मैं सूची लोड कर रहा हूँ उसमें ये उस सूची में स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं लाभार्थी का नाम है जो कि बच्चे का नाम लिखेंगे, कोई सा भी नाम लिख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आधार संख्या डालेंगे, उसके बाद स्वास्थ्य आईडी है तो डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर जन्म की तारीख डालेंगे और फिर उसके बाद मेल है या फीमेल, लड़का है या लड़की, उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर पिता का नाम डालेंगे, तो देख लीजिए मैंने केवल डेमो अकाउंट समझने के लिए यहाँ पे माता और पिता का नाम डाला है। जब भी आप लोगों को एमपिन या ऑफिस के तरफ से मोबाइल नंबर और एमपिन मिल जाएगा, उसके बाद आप लोग इसमें नाम वगैरह डालेंगे तो आपके सूची में लोड हो जाएगा। तो उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर बच्चे का जन्म का वजन डालना है, जब बच्चे का जन्म हुआ था उस टाइम बच्चे का कितना वजन था, तो 3.5 यानी 3.5 kg का बच्चा था और बच्चे के जन्म की ऊंचाई कितनी थी उस टाइम जब बच्चे का जन्म हुआ था, तो यहाँ पे 20 इंच मैंने रख दिया है समझने के लिए। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे आपका रिकॉर्ड सबमिट हो जाएगा। उसके बाद इसी रिकॉर्ड को हम लोग फिर से ओपन करेंगे, 3 डॉट पर जाएंगे। 3 डॉट पे जाने के बाद आपको अगर प्रोफाइल अपडेट करना है या किसी उसमें नाम वगैरह चेंज करना है तो प्रोफाइल अपडेट में जाके नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है जानकारी एंटर करें, तो हम लोग इस पर सिंपली क्लिक करते हैं और क्लिक करके देखते हैं इसमें क्या क्या जानकारी एंटर करना है। तो यहाँ पर 2 स्टेप में जानकारी एंटर करना है, तो पोषक आपूर्ति फर्स्ट स्टेप खोलेंगे तो यहाँ पर बता रहा है कि क्या आपको कोई पोषक आपूर्ति दी गई है। तो बच्चों के लिए जो कोई पोषक आपूर्ति दी गई है तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, वरना इसको छोड़ भी सकते हैं। 400 कैलोरी तक यहाँ पे फिलहाल मैं डाल रहा हूँ। और उसके बाद प्रोटीन का सेवन क्या है, प्रतिदिन ग्राम में डालना है, तो यहाँ पे वैकल्पिक है, इसको छोड़ भी सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ग्राम में डालना है तो 10 ग्राम प्रतिदिन के लिए डाल दे रहा हूँ। उसके बाद फैट का सेवन क्या है, तो फैट यहाँ पे 0 ही रखना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद देख सकते हैं कि पहला स्टेप आपका रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया। उसके बाद दूसरा स्टेप आ जाएगा, क्या बच्चा ठोस आहार पर है, तो इस पर हम लोग नहीं क्लिक कर देंगे क्योंकि बच्चा अभी कोई ठोस आहार नहीं खा रहा है, तो उसको नहीं पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है हेमोग्लोबिन 5 से 30 ग्राम के बीच में होना चाहिए, तो जो भी हेमोग्लोबिन है यहाँ पे 6 डाल दीजिए, 7 डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर रहे हैं, तो यदि अगर बच्चा बीमार है तो वो एलोपैथ होम्योपैथ या आयुष किस प्रकार का सेवा प्राप्त कर रहा है, तो अगर बच्चा बीमार है तो एलोपैथ यानी अंग्रेजी दवा का सेवा प्राप्त कर रहा है तो उस पर क्लिक कर देंगे, और नहीं करता है तो ऐसे ही उसको अनटिक करके छोड़ देंगे। तो उसके बाद फिर से सबमिट कर देंगे तो हमारा दूसरा अपडेट भी सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अगले स्टेप की ओर। तो फिर से 3 डॉट को ओपन करेंगे यहाँ से और निगरानी ग्रोथ मॉनिटरिंग को हम लोग ओपन करेंगे और इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि उस टाइम उस बच्चे का वजन ऊँचाई कितना था, उसको यहाँ पर डाल देना है, तो 20 इंच मैंने डाल दिया है। और बच्चे का वजन कितना है, तो यहाँ पे पूछ रहा है वजन 1 से 8 किलोग्राम के बीच होना चाहिए, तो 3.5 यहाँ पे डाल दिए हैं। अगर बच्चे का आप लोग प्रति महीना उसका वेट करते हैं, वजन करते हैं, तो
तो इसमें थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है, तो आप लोग उसको हर महीने उसको मेंटेन करते रहिएगा। फिर उसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो रिकॉर्ड सफलतापूर्वक अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट स्टेप आता है हम लोग का, फिर से थ्री डॉट पे जाएंगे और टीकाकरण के ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो इसमें बहुत सारा टीकाकरण का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप लोग को जब ये 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए बताया जा रहा है, तो यहाँ पे जब बच्चे का जन्म हुआ था तो मान लीजिए अगर बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में होता है तो ओपीबी जन्म डोज है, हेपेटाइटिस बी है और रोटा वायरस और पोलियो, ये 4 खुराक जब बच्चे का जन्म होता है तो उसी टाइम पे दे दिया जाता है अगर सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म होता है। अगर नहीं होता है तो आप जब आंगनबाड़ी केंद्र पर जब टीकाकरण होता है तो वहाँ पर जाके उस बच्चे का ये सब टीकाकरण दिलवा सकती हैं। उसके बाद जो भी डेट होगा उसको यहाँ पर एंटर करके और सबमिट करके छोड़ देंगे तो सबमिट आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग भी जो भी है उसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे। फिर नेक्स्ट डेट माह पे जब बच्चे को टीकाकरण दिलवाया जाता है तो OPV1, तो नेक्स्ट माह का यहाँ पे जब टीकाकरण पड़ेगा उसका यहाँ पे डेट डाल देंगे और सबमिट कर देंगे तो वो भी डेट आपका सबमिट हो जाएगा। फिर पेंटावैलेंट 1 है तो ये 1.5 माह के बाद ही किसी भी बच्चे का टीकाकरण होता है तो उसको यहाँ पे डेट डालेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। BCG भी उसी टाइम मिल जाता है बच्चे को, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और डेट डाल देंगे उसके बाद सबमिट कर देंगे तो आपका जो भी टीकाकरण का सूची है वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और इस पर बहुत सारा टीका है तो इस पर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, तो उसके लिए आपको नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। तो इसी प्रकार से आप लोग भी सारा डिटेल्स भर के यहाँ पे प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।